हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे पढ़े थे, जिसमें सेट्स आता है, रिप्रेजेंटेशन आती है, उसकी नोटेशन आती है, उसके टाइप्स आते हैं, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के अंदर, उसको हम परफॉर्म करेंगे। अब परफॉर्म करने का तरीका ये है, हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। अब हमारे पास देखिए, सिंपली हर एक क्वेश्चन गिवन है, सारी चीज़ें हैं। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं बस। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की और सेकंड की स्टेटमेंट आप क्लियरली देख पा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, जस्ट आपको ये बताना है कि ये सेट होगा या फिर नहीं होगा, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर के जो कलेक्शन है, लेट अस सपोज उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए सेट है कि 2, 3, 5, 7 सो ऑन। अब ध्यान से देखिए, क्या वेल डिफाइंड है, अगर ये वेल डिफाइंड है दिस मीन्स सेट है, अदरवाइज नहीं है। अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फर्स्ट हुआ क्लियर। सेकेंड पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, जब किसी आप स्टूडेंट से, किसी एक स्टूडेंट से पूछोगे कि आपके हॉकी प्लेयर जो अच्छे हैं वो कौन से हैं, वो कुछ और बताएगा, दूसरा कोई और बताएगा, क्या आपका किसी की परफॉर्मेंस खराब चल रही हो, यानी कि इसमें कुछ भी हो सकता है, हर कोई आपको अलग अलग सलाह देगा। तो दिस मीन्स ये वेल डिफाइंड नहीं है, हम ये नहीं बता सकते कि कितने गुड प्लेयर हैं, कितने गुड प्लेयर नहीं हैं और वो गुड प्लेयर क्यों हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दिस मीन्स इस केस में ये सेट नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं आएगा। थर्ड है, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर जितने भी रिच पर्सन हैं उनको कलेक्ट करो। तो रिच पर्सन के अंदर देखियो, सब जो सारे नेतागण हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो तो हैं, और भी बहुत सारे हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, यानी कि हम यही नहीं बता सकते कौन सा क्या रिच है। अब वो एक अलग बात है कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रिच है उस एक व्यक्ति का नाम लिखो, जो वो तो चलो हम सेट में काम कर सकते हैं, भी ये एक ही होगा, लेकिन लेकिन इसने तो ये बोला है कि लिस्ट दो ना जो रिचेस्ट पर्सन है, वो तो कोई भी हो सकता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, दिस मीन्स ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, अब 1000 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर सेट में लिख दो, 1, 2, 3 सो ऑन, और ये हुआ 1000, बन गया कि नहीं सेट, वेल डिफाइंड है। अगर हर किसी से आप पूछोगे तो सारे यही आंसर देंगे ना, दिस मीन्स ये हो जाएगा टिक्का, यानी कि यस, ठीक है ना। तो उसके बाद है फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर जो ओड हो, तो स्टार्ट करते हैं 1, 3, 5, 7 सो ऑन, लास्ट का नहीं पता भी कहां तक जाएगा, क्लियर। अब कलेक्ट तो कर लिया, किस टाइप का सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट, सेट तो है कि नहीं, दिस मीन्स यहां भी सही वाला निशान आएगा, दिस मीन्स ये भी क्या होगा, सेट होगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोल के एक्सप्लेन किया ना कि इस वजह से सेट है, इस वजह से सेट नहीं है, तो ये चीजें आपने कॉपी के अंदर लिखनी है भी, एग्जाम में अगर ऐसा आता है 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर, तो आपने अपना रीजन है जो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन मुद्दा स्टार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड से, अभी तो जस्ट एक इजी टाइप, अब इजी तो ये भी है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपको परफॉर्म करने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। राइट दी फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, बोल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म, तो याद कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताई गई थी, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकेंड अगर आपने देखा है तो दिस मीन्स ये 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये अभी कौन सी फॉर्म गिवन है, अभी रोस्टर फॉर्म गिवन है, किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो फर्स्ट की सेट बिल्डर फॉर्म बनेंगे, लेट सपोज ये ए सेट है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो चेक करते हैं कि ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है जो हर एक पे लागू होती है, बी 2 है 4, 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10 सो ऑन, ये क्या लिख रहा है, बी 2 की टेबल लिख रहा है, 2 की टेबल, यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सेट के अंदर एक एक्स एलिमेंट है और जो एक्स है वो 2n के इक्वल है, वेयर n belongs to natural number, क्लियर। देखो आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 हमने एलिमेंट लिखा x और x किसके इक्वल होगा 2n, अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेना, x और n में एक जैसा बना देता हूँ, x और 2n, ठीक है ना।
जब एन की जगह नेचुरल नंबर लिखोगे, वन लिखोगे तो टू आएगा, टू लिखोगे फोर आएगा, फिर सिक्स एट टेन सो ऑन, यही वाला तो बन रहा है। दिस मीन्स ये रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ इंग्लिश में लिख दो वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका एन बिलोंग्स टू। ये साइन यूज करना सीखिए, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज सीखना जरूरी है कि मैथ किस भाषा में काम करता है, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं 6, 10, 14, 18। अब आपको लग रहा है कि ये सर ए पी तो हो गई कि 4, 4 इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसको लिखे कैसे, ठीक है ना। अब लिखने का तरीका, ना तो ये 6 की टेबल है, ना 2 की, ना 3 की टेबल तो है ही नहीं। तो दिस मीन्स आप यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे लिखें। अब देखिए 6 में क्या पैटर्न फॉलो होता है, 6 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 + 2। आगे था 10, 10 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 + 2। आगे 14 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 + 2। 18 को लिख सकते हैं 4 × 4 + 2। हो गया पैटर्न, पैटर्न फॉलो कीजिए, क्या है 4 × 1, 2, 3, 4 और प्लस में क्या आ रहा है 2, और सो ऑन लास्ट तक है। दिस मीन्स हम यहाँ लिखेंगे ये x कोई एलिमेंट है और x इज इक्वल टू 2n + 2 है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चेक कर लीजिए, n की जगह 1 पुट कीजिए, 2 × 1 + 2, 4। 2 पुट करोगे तो एक मिनट, n की जगह अगर 1 पुट कर दिया तो ये 4 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, तो सॉरी 2n लिख दिया, लिखना 4n था, ये माइंड में से उतर गया अभी, इसको याद रखो, ठीक है ना। 4n + 2n की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 × 2 = 8 और 2 = 10 सो ऑन, ठीक है ना। तो इस टाइप की मिस्टेक मत करें, यहाँ तो मैंने 4 ही लिखा था, यहाँ गलती से 2 लिखा गया, चलो ठीक है, हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 0, 3, 6, 9, 12 सो ऑन। अब अगर इस 0 को हटा दे तो आपको लग रहा है सर 3 की टेबल लिखी हुई है, 3n लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लेकिन 0 का कैसे करोगे। तो ठीक है, ये 3 की टेबल है ए सेट, तो हम 3 की टेबल ही बना देते हैं, आप ही की मान लेते हैं। तो यहाँ एक्स, अब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फिर x को थोड़ा उस साइड से लिख देते हैं ना, x इज इक्वल टू होगा 3n, जहां n की वैल्यू देखो, अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट करना ना, 0, 0, 1, 2, 3, 4, और ये सारे क्या होते हैं होल नंबर, वेयर n इज ए होल नंबर। क्लियर, ये ऐसा आप लिख सकते हैं, ये वाली ब्रैकेट यूज ना करें, ये वाली ब्रैकेट यूज करें कि जहां n क्या है होल नंबर। अगर आप चाहें तो n को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी लिखा जा सकता है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और n क्या है इंटीजर है। क्लियर, इसको अगर आप ये लिखना चाहो तो आप यहां ये भी लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू इंटीजर और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि ये दो लिख दीजिए इस पूरी लाइन की जगह, वो भी सही हो जाएगा। यानी कि हो सकता है आंसर में पीछे क्या पता ये लिख रखो, क्या पता ये लिख रखो, तो आंसर की तरफ मत भागना, कंसेप्ट पकड़ो कि एक्चुअल में है क्या। फोर्थ पे आते हैं 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। पैटर्न समझिए, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, 2 की पावर 6 तक है। तो दिस मीन्स इसको भी ये सेट बना लेते हैं। अब यहाँ x है और x है जो वो इक्वल है 1/2 to the power n, वेयर n belongs to natural number। अब क्या सारे natural number थोड़े ना है, 2 की power 6 तक आया है, 7 थोड़े ना होगा, तो ये और define कर दो कि कहाँ तक है, जहाँ n है वो greater than equal रहेगा 2 power हो सकती है ना 2 और 6 से, ठीक है ना। ओ ये 6 कैसे लिख दिया, less than equal to 6, तो देख लीजिए 1/2 की power 2 या 2 से बड़ी लेने, 2 लोगे तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 5 पे 32, 6 पे 64, तो ये हुआ कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है जो, नेक्स्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ भी, फिफ्थ में क्या पैटर्न फॉलो होगा, इसमें क्या है कि 1/2, 2/3, 3/4 सो ऑन। तो इसको आप चेक कर लीजिए कि ये क्या होगा, और जिसको ये पता लग गया वो कमेंट बॉक्स में बता दे मेरे को कि सर हमने ये लिख दिया है, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट हो गया ऐसे बता सकते हैं। क्लियर, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो, वो हुआ कंप्लीट, बिल्कुल इजी था फर्स्ट और सेकंड।
तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। रीराइट द फॉलोइंग सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था कि हमें जो रोस्टर फॉर्म गिवन थी और हम कौन सी फॉर्म निकाल रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हम रोस्टर फॉर्म निकालेंगे। तो यहां से देखिए, जो फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। वो सारे पॉजिटिव इंटीजर निकालिए जो 30 और 45 के कॉमन फैक्टर हैं। तो इंटीजर होने चाहिए वो, तो इसके लिए देखते हैं। ए, अब देखो 1 से क्या डिवाइड हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या 2 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे। 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड नहीं होंगे, 5 से भी डिवाइड होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चले जाना, नहीं डिवाइड होंगे। कहाँ डिवाइड होंगे, 15। यानी कि ये वो नंबर्स हैं जो 30 और 45 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इनके फैक्टर होंगे। चाहे फैक्टर बना के देख लेना, 45 3 पे कैंसिल होगा, 5 पे फिर इस तरीके से 15 पे भी कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो इनसे वो डिवाइड हो सकते हैं, तो इस तरीके से। उसके बाद सेकेंड, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। अब हमें वो सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, लेट सपोज ये कोई बी सेट है जो इवन हो। अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लिख के छोड़ देता हूँ, यानी कि एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है। अगर बाकी आपको मिले ना तो मेरे को भी बताना और उसको ढूंढते रहना, ठीक है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, तो इस चीज़ पे फोकस करना। एक मैंने लिख दिया प्राइम नंबर जो इवन है, बाकी आप ढूंढ लेना भाई, अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। उसके बाद एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4i और x की वैल्यू 3 हो। आप देखो, अगर आपसे मैं ऐसा क्वेश्चन करूं कि भी आप एक ऐसा नंबर लिखो जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो और पुट कर दो x को 3, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया कि x की जगह 3 पुट करके ना इसका स्क्वायर 4 दिखा दो, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि सर आप टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब बेवकूफ वाला क्वेश्चन हो गया ना, कि 3 का स्केयर 4 कैसे आ जाएगा, वो तो 9 आएगा। लेकिन ये वही तो बोल रहे हैं, ये हमको बेवकूफ समझने में लगा है कि इनको कुछ आता नहीं है। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 लिख दिया और x की वैल्यू 3, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि क्या कोई x की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है कि 3 का स्केयर 4 आए, इम्पॉसिबल। दिस मीन्स ऐसे करके लिख देना है या फिर आपने 5 लिख देना, भी खाली होगा, कुछ आएगा नहीं इसके अंदर। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, जो बीच के वाले बीच वाले पार्ट रहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो आप खुद से करेंगे। तो ये x x बिलोंग करता है इंटीजर से और x का स्केयर 20 से लेस देन हो। अब इंटीजर है, इस चीज पे फोकस करना, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 1 का स्केयर, 0 का स्केयर, सारे। अब देखो 4 का स्केयर कितना होता है, 16, 5 का तो ज्यादा हो जाएगा। दिस मीन्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। देखो ये सारे नंबर लिख दिए, सभी का स्केयर करके देखना क्या 20 से बड़ा आ जाएगा, सारे 20 से छोटे रहेंगे, -4 से लेके +4 तक के स्केयर। अगर -5 लिख देते तो 25 हो जाता, जो गिवन कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है ना। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा था, इजिली हमने 2 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर दिया होगा, बस इतना ही है। उसके बाद अगला भी बिल्कुल सिंपल सा है, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट एंड वाई। भी नल सेट क्या होते हैं, नल, एम्प्टी, वॉइड, तीनों नाम याद आ जाने चाहिए, जो खाली हो, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, तो वो चीज़ें हमें बतानी है। फर्स्ट है जो ए इज इक्वल टू सेट के अंदर 0 लिखा गया है और स्पेशली इसको एक्सप्लेन किया है, बाकी किसी पार्ट में नहीं एक्सप्लेन करके लिखा, लेकिन सिर्फ इसमें, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। अगर सीधा 0 लिख देता, कई स्टूडेंट्स को तो लगता है सर 0 आ गया, 5 सेट, खाली सेट, एम्प्टी सेट, ऐसा नहीं है भी, 0 भी एक एलिमेंट है। तो ये नल सेट नहीं, ये किस टाइप का सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। सिंगलटन पढ़ा था ना, जिसमें एक ही एलिमेंट और एक एलिमेंट क्या है, 0, तो ये तो नल हो ही नहीं सकता। उसके बाद बी सेट बोल रहा है कि एक्स है जो, इस तरीके से लेना है कि x प्लस 3 की वैल्यू 3 आए, तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, 0 ही होगी। यानी कि इस सेट के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी x की जगह 0, और ये भी किस टाइप का सेट होगा, सिंगलटन होगा, ये भी नल नहीं होगा। उसके बाद आते हैं सी, यानी कि y, y के स्केयर में से अगर 2 माइनस करें तो 0 आए, तो क्या y की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यस बोस एग्जिस्ट करेगी, अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो y की वैल्यू एग्जिस्ट की, अंडर रूट 2, दिस मीन्स ये भी क्या होगा, अब स्केयर है,
तो प्लस का अंडर रूट टू भी हो सकती है, माइनस का अंडर रूट टू भी हो सकती है, ठीक है ना, दोनों वैल्यू हो सकती है, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये सिंगलटन सेट नहीं होगा, इसको आप फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। डी, वाई क्यूब की वैल्यू 27 और वाई की वैल्यू 2 है। अब यही फिर बेवकूफों वाला क्वेश्चन, 2 का क्यूब 27 क्या कभी आ सकता है? तो इस डी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा नल सेट जो हमें चाहिए था। तो डी क्या होगा, नल सेट। रीजन क्या है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद ई में एक्स का स्केयर 4 आना चाहिए और एक्स की वैल्यू 3 है, भी 3 रखोगे तो 3 का स्केयर तो 9 आएगा, फिर वही बेवकूफों वाला क्वेश्चन, यहां दिया तो था ये, अभी तो निकाला था 5 है, तो दिस मीन्स ये भी होगा। तो इस तरीके से आप थर्ड और फोर्थ के जितने भी पार्ट हैं बिल्कुल इजीली आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं, यहां दो ही नल सेट मिले, डी और ई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि सेट है जो फाइनाइट होंगे या फिर इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट हो, हम उनको काउंट कर सके। इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट हो या फिर उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में फर्स्ट है 1, 2, 3 सो ऑन 999 और 1000 लिख दिया गया है, क्या आप काउंट कर सकते हो, वेल डिफाइंड है कि नहीं, काउंटेबल भी है, 1000 एलिमेंट है, दिस मीन्स ये किस टाइप का सेट होगा, फाइनाइट। रीजन में क्या लिखना है, बिकॉज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट आर फाइनाइट इन द नंबर, सो द गिवन सेट आर नोन एज फाइनाइट सेट, क्लियर। तो उसके बाद है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000। अब अगर इसका सेट आप बनाओगे 1000 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर आपने लेने हैं, सो ऑन, क्या लास्ट में पता है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि इसमें हमें यही नहीं पता कितने आएंगे। वेल डिफाइंड तो जरूर है, सेट जरूर है, लेकिन इनफाइनाइट है, क्लियर। थर्ड पे आते हैं, एक्स और एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एक्स का स्केयर क्या होना चाहिए, 4। तो यहां एक्स की क्या वैल्यू आएगी, भी एक्स की वैल्यू एक ही आएगी, 2। तो इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 भी नेचुरल नंबर है, वैसे तो माइनस 2 का स्केयर भी 4 होता है, लेकिन माइनस 2 नेचुरल नहीं है, दिस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये जो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 0। अलग अलग से 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू एक 1 आएगी, एक 2 आएगी, सेट में एलिमेंट क्या है, 1, 2, यानी कि इस तरीके से सेट लिखा जाएगा, ये काउंटेबल है कि नहीं, तो ये भी क्या हुआ, फाइनाइट हुआ, क्लियर। तो सिंपली आपने इस तरीके से बताना है कौन सा फाइनाइट होगा, कौन सा इनफाइनाइट, अगर बाकी कोई पार्ट बचता है तो वो भी आप खुद से सोल्व कर लें। नेक्स्ट आता है 6th, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है ए और बी इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। अब दो सेट इक्वल कब होते हैं, पहले तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई। फिर एलिमेंट भी यही होना चाहिए, 4, 8, 12, 16 लेकिन 12 नहीं है, दिस मीन्स यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी होगा। उसका रीजन आप क्या लिखोगे, रीजन मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बिकॉज 12 belongs to set A, but 12 does not belongs to set B. ये जो 12 है set A के अंदर तो है लेकिन B के अंदर नहीं है, तो इस तरीके से आप explain करोगे। Second है A2468, ये बोल रहा है x is a positive integer, even integer less than 10. अब less than equal to 10 से positive integer कौन सा होता है, ध्यान से बोलना भी, even positive integer। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी तो इवन है, अब जब इसमें आप लिखोगे तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 आ जाएगा, क्योंकि 0 इवन भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें तो 0 नहीं है, दिस मीन्स यहां ये क्या होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, सॉरी 0 ही लिख दिया, ए नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू सेट बी बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर। ये आपने रीजन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना। उसके बाद फोर्थ, x है जो मोड ऑफ x है वो 2 से छोटा होना चाहिए और x कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं, b की वैल्यू -1 और 1 है। अब देखिए x के अंदर 2 से छोटा इंटीजर या -1 और +1 ही लिया जा सकता है, और साथ में हम क्या ले सकते हैं, 0। ध्यान से देखिए इनको, अगर तीनों वैल्यू यहां
मोड के अंदर पुट कर दी जाए तो लेस देन जीरो आएगी और एक्स है भी इंटीजर, यहाँ थ्री वैल्यू है यहाँ टू वैल्यू है, तो इस केस में तो ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ थ्री है तो यहाँ भी थ्री होने चाहिए थे। तो बस सिंपली ये बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट, कौन से इक्वल सेट है। देखिए स्टार्टिंग में ए बी सी लिखा है, फिर ए बी सी दोबारा ये लिख दिया, रिपीटेशन को तो काउंट ही नहीं करना भी आपने, ये तो बस जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। बी सी ए दोबारा फिर बी लिख दिया, रिपीटेशन नहीं काउंट करना। सी ए बी सी सी दो बार बार नहीं लिखे, यानी कि अगर रिपीटेशन को हम हटा दें तो हर एक सेट में तीन ही एलिमेंट है, ए बी सी ए बी सी, तो दिस मीन्स सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल, ऑल सेट्स आर इक्वल सेट्स। क्लियर, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, तो आपने इसको सोल्व करना है। दो सेट गिवन है एक्स की, यहां से तो देखो चलो बता ही देते हैं, वन टू थ्री थ्री एलिमेंट, यहां भी थ्री एलिमेंट, वन टू थ्री वन टू थ्री, तो ये दोनों तो इक्वल हुए पक्का, ये दोनों तो क्या हुए, इक्वल। अब यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स के यहां कितने रूट होंगे भी, टू रूट्स, ठीक है, यानी कि ये तो इनके इक्वल आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो थ्री वैल्यू है ना, वहाँ टू वैल्यू आएंगे। यहाँ से जब हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो भी क्या आएगी, वन टू थ्री, तो ये फर्स्ट और ये जिस पे डबल टिक लगे हैं ये तीनों सेट इक्वल हो गए, एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इनके इक्वल नहीं होगा। बस तो ये थी सिंपल सी एक्सरसाइज, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 इसी क्वेश्चन के साथ होती है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, कुछ आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि क्लासेस तो अभी किसी की हो नहीं रही, तो ऑनलाइन ही चल रहा है सारा कुछ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करो, नीचे एक कमेंट छोड़ दिया करो जो भी आपके व्यूज़ हैं, और आगे से आगे इसको शेयर किया करो ताकि सभी को पता चले। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।